हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जी एस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। ये 10 क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चन को लास्ट तक देखें और लास्ट में एक काम जरूर कीजिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बाद में इसका आंसर बताऊंगा। तो आप जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने माइंड में अपना आंसर सोच लीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चंस हैं ये, टोटल 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? 5 आए, 8 आए, 9 आए, या 10 में से 10 है? तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करके बता देना। और अगर आप लोग हर दोनों मतलब इस यूपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है स्टडी मास्टर। और आपको जो इसकी लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, पॉलिटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, और ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है। साइंस और एनवायरनमेंट के लेक्चर हैं फ्रेंड्स, वो जो आपको संडे के संडे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो चारों लेक्चर हैं ये आपको संडे को इसकी ऑफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा दैनिक जागरण का एनालिसिस किया जाता है फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है, जिन जो लोग तैयारी करते हैं, जिनको पता है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू और जो हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग दैनिक जागरण डेली फॉलो करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मैं दैनिक जागरण का एनालिसिस करवाता हूँ, वो जरूर देख लिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में व्याख्या की थी? चार ऑप्शन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, या जीवन का अधिकार। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच लीजिए। और जो इसका राइट आंसर है वो है जीवन का अधिकार। तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट जो जिन्होंने ये सोचा था अपने माइंड में डी, उनका ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नीचे दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा लाल पांडा की आबादी के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। खंगचिड जोगा राष्ट्रीय उद्यान, नौरा राष्ट्रीय उद्यान, नौरा घाटी, और नेक्स्ट है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स ये तीन है, इसमें से आप अपना आंसर सोच लीजिए, एक और दो। ये चार ऑप्शन है, देख लीजिए, ये चार ऑप्शन रहे हैं, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो जो आपको सही लग रहा है वो आप बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर, ये तीनों गलत है। तो दो क्वेश्चनों के फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए डेली इस तरह के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। आप लोग मुझे बता देना कि सर हमें डेली क्वेश्चन चाहिए। और अगर आप चाहते हैं सर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी डेली 10-10 क्वेश्चन करवा दिए कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस इज मस्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप कहते हैं कि सर डेली आप लोग करवा दिए कीजिए या फिर वीक में दो टेस्ट रख दिया कीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसे कर दूंगा, जो टेस्ट आपको जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसमें अंदर प्रोवाइड करा देता हूँ टेस्ट। अगर आप कहोगे तो वहां पर टेस्ट प्रोवाइड करा दिया करूंगा, उसके बाद टेस्ट के नेक्स्ट डे आपको जो उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो जैसे इस तरह आपके क्या है 100 टॉपिक होंगे तो 100 टॉपिक हम कवर करवा देंगे, 2 या 3 घंटे के अंदर आपके 100 टॉपिक कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट से आपके 100 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप लोग बता दीजिएगा, वैसे ही कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर करता है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, सेकंड वो गलत है। तो राइट आंसर ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट, और आप अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जरूर तीन ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए अगर आपको कुछ मिस हुआ तो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तीन नीचे दिए गए कथन, देश के पहाड़ी और आदिवासी जिलों में वनावरण में शुद्ध वृद्धि हुई है। सेकंड, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के वन क्षेत्र में गिरावट आई है। थर्ड, पिछले मूल्यांकन के मुकाबले देश में मैनग्रोव आवरण भी घट गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एक और दो, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो 2015 वाली जरूर पढ़ के जाइए सारा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरि कथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कहानी कहने का हिंदू धार्मिक प्रवचन है। नेक्स्ट, यह महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ। तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, ये इसका गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, राइट आंसर ए, केवल एक। तो फ्रेंड्स ये जो 10 क्वेश्चन है इसको आप इनमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा या फिर इनसे मिलता जुलता जरूर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गलत मिलान की पहचान करें। तो 25 जनवरी फर्स्ट मिलान है, 25 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस,
तो इससे क्या फ्रेंड्स आपको चार चीजें भी याद हो जाएंगी, और अगर आप लोग एसएससी या किसी भी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चारों चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी कि गलत मिलान की पहचान करें। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, बिल्कुल ठीक है। 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है, ये गलत है क्योंकि वो 24 फरवरी को नहीं 4 फरवरी को होता है। तो याद रखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। थर्ड, 22 मार्च को पानी के लिए विश्व दिवस होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है उसके दिन, याद रखिए। और थर्ड, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, पृथ्वी दिवस। तो आपको ये चार जरूर याद रखने हैं, जनवरी 25 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 22 मार्च पानी के लिए विश्व दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो ये चार चीजें अच्छे से आप याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुने। तो ये कोड दिए गए नीचे देख लीजिए, निम्न से आप पढ़िए कौन सा आपको ठीक लग रहा है, तो नीचे कमेंट कीजिए। सिरोको अफ्रीका में एक शांत और शुष्क स्थानीय हवा है। दूसरा, वे या तो उत्तरी अफ्रीका से अधिक या कभी कभी आल्प्स के दक्षिण उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी भूमध्य बेसिन में उत्तर की ओर बहती हैं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुने, और ये दो कोड दिए हुए हैं तो इनमें से दोनों ही आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो इसका है डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। कोई ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, तो जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी उनको बिल्कुल आसान लग रहा है क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको लगा कि सर पता नहीं क्या बोल गए, समझ नहीं आया उनको। तो नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन पर शुल्क लिया जाता है। भारत का समेकित निधि, राज्य के समेकित निधि, भारत के आकस्मिक निधि, और जो फोर्थ है राज्य के आकस्मिक निधि। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तो अच्छे से याद रख लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कालीघाट चित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कालीघाट के बारे में तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चित्र पारंपरिक रूप से झारखंड और मध्य प्रदेश में प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, कालीघाट पेंटिंग सामाजिक जीवन पर टिप्पणी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला चित्रित करते हैं। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का इन चित्रों पर असर पड़ा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। दोबारा से ये पढ़ लीजिए एक बार, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट ले लेता हूँ ताकि, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसलिए आपको टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट करके, और इसमें जो सेकंड और वो थर्ड बिल्कुल ठीक है, कालीघाट पेंटिंग सामाजिक जीवन पर टिप्पणी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला चित्रित करते हैं, और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का इन चित्रों पर असर पड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, हाल ही में निम्नलिखित राज्य सरकार के बीच एक उद्देश्य बच्चों में से दो या उससे कम संख्या के साथ माता पिता को प्रोत्साहित करने के साथ एक मसौदा राज्य संख्या नीति प्रकाशित किया है, तो वो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स। तो इसमें गुजरात, तेलंगाना, आसाम, कर्नाटक। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं कि आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे या मैं खुद बताऊं। चलिए आप सोच लीजिए अपने अपने आंसर कि ए आंसर है, बी है, सी है या फिर डी है। चलिए जो भी आपने आंसर सोचा है ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स असम। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस जरूर याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में जो भी यूपीएससी में भी आ सकता है और स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चंस, इनमें से आपके जितने भी मार्क्स आए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उससे रिलेटेड आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो भी बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है स्टडी मास्टर के नाम से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास अगर टेलीग्राम नहीं है तो वो लिंक काम नहीं करेगा। सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप अपने आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। और दूसरा फ्रेंड्स, हमारा एक फेसबुक का पेज है स्टडी मास्टर के नाम से, यूट्यूब चैनल, एजुकेशन चैनल स्टडी मास्टर, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको पेज को लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी सारी अपडेट्स डाल दी जाती हैं, कोई नया एग्जाम हो वहां पर अपडेट दे दी जाती है कि ये नया एग्जाम है, सिलेबस के बारे में दे दिया जाता है। और अगर किसी लोगों को किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट सिलेबस पूछना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई डाउट रहेगा उसके बाद, कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर आपके डाउट या क्वेरी का रिप्लाई खुद करूंगा। क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ जरूर बताना, आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज शुरू की जाए या ना की जाए, तो सारी चीज़ें आप मुझे क्लियर कर दीजिए क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब आप भी मुझे क्लियर कीजिए कि टेस्ट सीरीज शुरू करनी है या नहीं करनी। और फ्रेंड्स एक थोड़ा सा और डाउट है मुझे,
कि आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट का नाम बता दीजिए कि हाँ सर मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ या फिर हरियाणा या फिर राजस्थान एक्स वाई जेड को जो भी स्टेट है, या फिर सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो बात ही खत्म, यूपीएससी तो स्टेट और बता दीजिए कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा में पंजाब से हूँ। तो आप मुझे अपनी स्टेट और ये चीज़ें जरूर क्लियर कर दीजिए, इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ बच्चे वहाँ से हैं और इधर से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको फिर कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो मैं उनका जो रिप्लाई कर सकूँ। और इससे क्या होगा आपके एग्जाम, अगर मान लीजिए किसी कोई भी बच्चा एक्स वाई जेड कमेंट करेगा तो उसका नाम याद रहता है कि इस बच्चे ने ये कमेंट किया था, नेक्स्ट टाइम वो कोई भी कमेंट करेगा तो वो मेरी कंसिडरेशन में आ जाता है। चलिए कोई डाउट हो तो बताइए, थैंक यू सो मच।